હેલો હેલો વિડિયો દેખને વાલો કેમ છો મજામાં તો અબ મજે કી બાત હુઈ હે તો આપકો મજેદાર અહેમદાબાદ કે ફૂડ આઉટલેટ્સ દિખાતા હું વો ભી સ્ટ્રીટ ફૂડ મોનસૂન કા ટાઈમ હે ઓર મોનસૂન મે યે સબસે બડિયા ઓપ્શન્સ હે તો ચલિયે મેરે સાથ લેટ્સ ગો તો લીજીએ પેશ હે અંબિકા દાલ વડા સેન્ટર ये देखिए आउटलेट और इसका एड्रेस और गूगल मैप लोकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूँ, लोकेशन समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो बाहर चौड़ी सड़क है, ये HL कॉमर्स कॉलेज है, काफ़ी फेमस है वो वाली सड़क है। और उसी में ये छोटी सी गली के अंदर, ये गली के अंदर है अंबिका दाल वड़ा सेंटर। तो चलिए अब इनका फूड देखते हैं। तो आइए इनका आपको आउटलेट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले दाल वड़ा बनते हुए फ्रेश बढ़िया से, और उसके बराबर में ये देखिए यहाँ भी काम चल रहा है, बिल्कुल मटेरियल तैयार किया जा रहा है यहाँ पे, और ये बराबर में फ्राई किया जा रहा है। आउटलेट दिखाता हूँ आपको हल्का सा कैमरा घुमा के। ये देखिए, इस वक्त शाम का समय है, कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं, जैसे जैसे बारिश क्लोज आती जाएगी कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे। सही बात है ना सर? इधर बहुत कस्टमर होता है, बहुत रश होता है। आज नसीब अच्छा है कि 10 आदमी, बाकी 40 आदमी होता है। सर कह रहे हैं नसीब अच्छा है कि यहाँ पे आज बंदे कम है, अदरवाइज बहुत कस्टमर होता है। आइए इनका अंदर से आउटलेट दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। ये देखिए इनका सीटिंग स्पेस, 4-5 टेबल लगे हैं, 15-20 लोग इजीली बैठ के यहाँ खा सकते हैं। बट यहाँ पे टेक अवे का रिवाज काफ़ी है, लोग पैक करवाते जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल पैकिंग होती हुई, और ये देखिए, ओहो हो 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 हो, ये देखिए दिस लुक्स फैब। और ये देखिए ले लो बस सोना भाई, ये है आइकॉनिक दाल वड़ा ऑफ अहमदाबाद। तो राकेश जी जो इस दुकान के कर्ता धर्ता हमारे साथ है, राकेश जी आपका स्वागत है। नमस्कार। कर्ता धर्ता तो सर जी हम नहीं है, हमारे फादर श्री है शांतिलाल जवान जी चंडेल। ये आपने बहुत बढ़िया बात की, आपने अपने आप को क्रेडिट ना देके अपने पेरेंट्स को दिया, इससे पता लगता है कि आपको बहुत बढ़िया सीख मिली है आपके पेरेंट्स से। और सही। मुझे ये बताइए कितना टाइम हो गया इस शॉप को? उस शॉप को हो गया है 45 ईयर्स के आगे चला गया है, ऐसे 48 हो गया है समथिंग। और ऐसी क्या चीज़ है कि ये खींच लाती है लोगों को आपके वड़ा पाव के लिए? ऐसे तो हमारा प्यार है, जो है जो भी है प्यार ही खींच लाता है, और हमारा जो क्वालिटी है, क्वालिटी बेस्ट है हमारी, हम A1 क्वालिटी के सब ऑनियन मिर्ची मूंग की दाल बस सब A1 क्वालिटी में यूज़ करते हैं, इसलिए इसका टेस्ट और हमारा प्यार दोनों खींच लाता है सर। तो अभी आप अपनी थोड़ी हिस्ट्री बता रहे थे, तो कितना टाइम हो गया, कैसे ये बिज़नेस शुरू हुआ कुछ सर? 72 में हमारा बिज़नेस स्टार्ट किया था हमारे फादर श्री ने और मेरे दादाजी ने, तो उन्होंने कॉमर्स 6 रोड पे ठेला लगाया था। अच्छा। उन टाइम की बात है, 72 की ईयर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वहाँ से ठेला लगाया, आज तक इस मुकाम पर यहाँ पे पहुँचा है, और हमारी दूसरी भी ब्रांच हमने कर दी है, वहाँ पे हमारे चाचा जी भी बैठता है। इस लाइन में फुल फैमिली हमारी इस लाइन में ही है सब। और कितना मतलब टाइमिंग्स क्या है इस दुकान की? टाइमिंग है मॉर्निंग का 9 बजे से शाम को 8:30 बजे का सर। और किसी दिन शॉप ऑफ भी रहती है? हाँ सर, पूनम होती है ना, पूनम की छुट्टी रहती है सर। पूनम की छुट्टी रहती है। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के। थैंक यू सर। तो देखिए ये है वड़ा पाव, और मेरे मुंह से वड़ा पाव निकलता है जबकि ये है दाल वड़ा। जगह दे दो भैया को, आ जाओ आगे। तो आपको दिखाते हैं ये कैसा है। मिर्च के साथ देखते हैं, क्योंकि जो दाल वड़ा है उसमें कोई मिर्च वगैरह नहीं है, तो ये मैंने मिर्च ले ली है। तो इसको खाने का तरीका यही है कि थोड़ा सा प्याज साथ में लिया जाए, हरी मिर्च ली जाए। जो मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहा हूँ वो है चटनी, और यहाँ पे चटनी सर्व नहीं की जाती इसके साथ, ये थोड़ा सा मेरा वियर्ड एक्सपीरियंस है, अदरवाइज़ बढ़िया है ये। और हरी मिर्च ऐसे कॉम्बो बनाते हैं, प्याज बीच में, हरी मिर्च और वड़ा। Hmm.
जो वड़ा है फुल ऑफ फ्लेवर्स और बाहर से सुपर क्रिस्पी है। जो प्याज इन्होंने सर्व किया उसके ऊपर नींबू निचोड़ के दिया गया है, तो प्याज और नींबू का जो फ्लेवर साथ में बन रहा है वड़ा के साथ वो एक बढ़िया बन रहा है, और हरी मिर्च सोने पे सुहागा वाला काम कर रही है। चीज़ वही कहूँगा, एक चीज़ इसमें मिसिंग है वो है चटनी। चटनी होती तो इस ये आइटम होती जन्नत के नज़ारे वाली। तो लीजिए हम पहुँचे हैं जसू बहन पिज़्ज़ा वाला पे। मिनी पिज़्ज़ा के लिए बहुत फेमस है, आइकॉनिक प्लेस है वो। आप सामने देखिए छोटे छोटे पिज़्ज़ा बन रहे हैं और यहाँ देखिए ये ऊपर चीज़ ग्रेट करके छोटे छोटे पिज़्ज़ा के ऊपर डाला जा रहा है। वो सामने प्रिपरेशन देखिए, छोटी छोटी कटोरियों में आप सॉस देख सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में डाला जा रहा है। टिपिकल इटालियन स्टाइल नहीं है, देसी स्टाइल है, और अच्छे क्वांटिटी में सॉस नीचे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर डाला जा रहा है। और ये देखिए वो सामने देखिए इनका देसी ओवन जो आई गेस गैस पे चल रहा है, ये देखिए गैस पे, और इसमें पकाया जा रहा है इसको। 2-4 मिनट लगेंगे और उसके बाद मज़ेदार पिज़्ज़ा सर्व कर दिया जाएगा। लीजिए जोरावर सिंह जी मिल गए हैं, बताइए सर जसू बहन पिज़्ज़ा की क्या स्टोरी है। बस ये बहुत पुरानी स्टोरी है, ये भाकरी पिज़्ज़ा है, गेहूं और मैदे के आटे की रोटी बनाते हैं और टमाटो ग्रेवी लगाते हैं, और जो देसी ओवन है गैस ओवन उसमें रोटी पका के ऊपर टमाटो केचप लगा के पका देते हैं, और उसके ऊपर कैप्सिकम प्याज और चीज़ डाल के देते हैं बस। बस और क्या टाइमिंग है दुकान के? शाम को 6 से रात को 12 बजे तक। शाम को ठीक है, और किसी दिन दुकान बंद भी रहती है? कभी ऐसा कोई हो तो बंद रहती है। अच्छा, वैसे 7 दिन। हाँ थैंक यू जी, वेलकम। तो लीजिए पिज़्ज़ा पेश हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको योगेश और दिनेश जी से मिलवाता हूँ। योगेश जी मुझे मिलने आए हैं स्पेशली, और इनका एक फूड आउटलेट है और मुझे वहाँ इनवाइट कर रहे हैं। मैं सर कोशिश करूँगा, लेकिन आप हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए आप किस टाइप का आपका आउटलेट है। सर मेरा है फ्रेंकी का है। फ्रेंकी रोल? फ्रेंकी रोल। अच्छा, जो वेजिटेरियन है 100%। 100। और कौन सी जगह पे? ये 4D स्क्वायर मॉल के सामने साइड पार्किंग है म्यूनसिपालिटी का। अच्छा, वहाँ पे SK फ्रेंकी नाम से। SK फ्रेंकी। और रेट्स क्या रखे हुए हैं? रेट सर नॉर्मल वेज का 40 है, पनीर है, मंचूरियन है, रीजनेबल रेट्स है। तो आप जाइए और मैं भी कोशिश करूँगा जाने की। तो सर एक पीस उठाइए आप, लीजिए ट्राई करिए, और लो सर आप भी लो एक पीस। और ये शिखर भाई तो डाइटिंग पे हैं, इन्होंने कैमरा संभाल रखा है, तो एक एक बाइट हो जाए बढ़िया सी। इस पिज़्ज़ा की प्राइस 80 रुपीज़ है, और जो नीचे इसका बेस है ऐसा बेस बहुत ही बढ़िया है, देसी स्टाइल से बना है और सुपर क्रिस्पी है, खाओ तो एक अलग ही फ्लेवर आता है। बाकी जो ऊपर टॉपिंग्स है वो सेम है, लेकिन ऊपर जो सॉस की क्वांटिटी थी वो भी ज़्यादा थी, तो एक ये बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं यही कहूँगा आप अहमदाबाद आओ या अहमदाबाद रहते हो और आपने अभी तक यहाँ का पिज़्ज़ा नहीं खाया तो पिज़्ज़ा ये ज़रूर खाओ। तो ये सारे वो आउटलेट्स थे जो मैंने पिछले 3 दिन में कवर किए। ये कुछ ऐसे आउटलेट्स थे जिनके लिए मैंने स्पेशल अलग से वीडियो नहीं बनाया, सोचा कि एक ही वीडियो में आपको बड़े बड़े ऑप्शंस दिखा दूं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।